उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। थोड़ी ज़्यादा खुशी आपको अब मज़ीद होनी चाहिए। आपको शायद पता होगा कि पहले इन्होंने ओपन की थी फैमिली रीग्रुपिंग की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज को यहाँ पे पुर्तगाल बुलाना है उनके लिए 15,000 समथिंग करके उन्होंने वो अपॉइंटमेंट्स जो स्लॉट्स थी वो बुक करने के लिए उन्होंने कहा कि आप हमें फ़ोन करें और इस फ़ोन से आप अपनी अपॉइंटमेंट लें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं जिनकी फ़ोन कॉल्स नहीं मिल रही। इसका यही हल है सर, मैं आपको, कोई इसका दूसरा हल नहीं है। आपको कंटिन्यू फ़ोन करना है, किसी टाइम भी आपकी लक काम करनी और आपका फ़ोन मिल जाना है, आपने अपनी फैमिली का डाटा वहाँ पर लिखवा देना और आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। दूसरा, मैंने ये बात की थी कि ये जब भी ये ओपन करते हैं, यानी इस तरह की चीज़ स्टार्ट होती है तो इसके साथ वो एडिशनल चीज़ें भी ओपन करते हैं, जो मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह रहा था रीन्यूअल या पहला रेजिडेंस कार्ड किसी ने लेना है किसी भी हवाले से, तो मैं देख रहा था कि यूरोपियन जो सिटीज़न है उनके लिए भी इन्होंने वो ओपन की है। और अभी जस्ट रिसेंटली ऑलमोस्ट एक घंटा पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने 13,000 अपॉइंटमेंट्स के लिए स्लॉट जो है वो उन्होंने ओपन किए हैं। और अगर आप अपनी जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि भाई आपका रेजिडेंस कार्ड किसी भी हवाले से ड्यू है, उसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आपका बेबी यहाँ पे पैदा हुआ है, आप बेबी के बेस पे रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट थे, आपने चेंज किया है तो आप स्टूडेंट की बेस पे फ़ोन करके तो अपना वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप फैमिली आपकी इधर है, आपने फैमिली बुला ली हुई है तो आप कहते हैं जनाब इधर कार्ड के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो ये वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो 13,000 समथिंग इन्होंने स्लॉट जो हैं वो ओपन किए हैं। अब आप ये सोचेंगे जिन्होंने फैमिली के लिए कॉल कर रहे हैं उनकी आगे कॉल नहीं मिल रही, 15,000 से जो ज़्यादा स्लॉट्स इन्होंने ओपन किए हैं उसके साथ ही इन्होंने ये 13,000 समथिंग और ऐड कर दिया, तो अब आप इमेजिन करें कि वो 13,000 वाले जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा हैं, मतलब जिन्होंने फ़ोन करना है, और ये 15,000 वाले हाली 15,000 नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स लेनी है वहाँ पे, तो ये मज़ीद रश इसमें आएगा। लेकिन डेफिनेटली कॉल्स मिलेंगी, ये अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी। इसका इसके अलावा कोई किसी किस्म का तरीका नहीं है कि जहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकें। तो बात ये है कि आपने इसको कंटिन्यू फ़ोन करते रहना, जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिलने जाती। सब लोगों के लिए बहुत सारी गुड लक। दोबारा मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा अभी कि भाई आप यूरोप जब आप आते हैं तो आपको क्या काम सीख के आना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं आपको बताऊँगा रियलिटी पर बताऊँगा वो काम ज़रूर सीख के हैं अगर आपने पैसे कमाने हैं आपके यूरोप के अंदर। तो दोबारा मुलाकात होती है आपसे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।